कि नेहरू जी ने कहा था कि अटल एक दिन तुम देश का प्रधानमंत्री बनेगा, आपने कहा था। नेहरू जी तो एक बार बोले आप हो गए दो बार, आप तो जान छोड़िए मुल्क का। और हमारे साधु लोग जो ये बैठे हैं, देखिए इसी रूप में रहता। तो गोसाई बाबा बोलता बोलो भोला, तब गोसाई पीछे से खोदता, तब झान दे झाना घंटी करके। आप तो बिना हरे फिटकरी का कोई ना कोई पद ले ही लेते हैं। बुद्धिजीवी, बुद्धि नहीं है लेकिन बुद्धि से जी रहे थे। हमारे मुंह में सीधे 32 दांत है, उनके पेट में नीतीश के दांत है, जो वहां चले गए। ये हम लोग के पुरोहित अडवाणी जी कैसे हो सकते हैं? इस बार हम लोगों ने साइंटिफिक तरीका से काम किया ही, समझ लीजिए। आप माननीय प्रधानमंत्री जी, आपने चिंता जताई और इतिहास को, अडवाणी जी गृह मंत्री जी ने गृह को खराब किया है, आपका जो गृह है उन्होंने खराब किया है। और आप मतवाले की तरह, आपका ज्यादा दोष नहीं है, मैं किसी को अपमान करने के लिए नहीं कहता हूं। मैं जन्म लिया था फुलवरिया गांव गोपालगंज में, फुलवरिया गांव में, तो हम लोग को मालूम नहीं कि हमारे भविष्य में क्या लिखा है। तो ये गोसाई लोग एक ऐसा रखते थे पशु बैल, आंख पर मांसा है, पीठ पर पैर है, बहुत छोटा नाटा है, जिसको नादिया बोलते उत्तर प्रदेश में, हम लोग अपने यहाँ बसहा बैल बोलते, भोला बाबा शंकर बाबा का अवतार माने बसहा बैल। और वो जो गोसाई है कपड़ा उपड़ा उड़ा के और हजारों चिट्टी कौड़ी उसमें साट के रखता, गेरुआ बस्तर पहन लेता। और हमारे साधु लोग जो ये बैठे हैं, देखिए इसी रूप में रहता। वो बेचारा गरीब है, वो लेके गांव गांव घूमता, मेरे गांव चलाया मेरे पास, मेरी माँ बैठा दी ओरी के नीचे खपड़ा घर के, देखो बाबा देखवा दो मेरे बेटे के भाग में क्या लिखा हुआ। ये हम ही अकेले नहीं, लाखों लोग जो गांव से आते उनको इन बातों की जानकारी है। अब वो गोसाई बाबा दोनों हाथ को मुट्ठी बांध के आगे करते कि इसमें नौकरी मिलेगा कि नहीं, या इसमें नहीं मिलेगा। तो दोनों मुट्ठी जब आगे करता तो गोसाई बाबा बोलता बोलो भोला, देखो देखो इसके हाथ में क्या लिखा है। तब बैल का स्वभाव है बसहा का कि जब मुट्ठी बढ़ाइएगा तो समझेगा कि कुछ खाने को दे रहा है, तो कभी बाएं में कभी दाएं में सूंघता। आ जब वो भोला बाबा समझ जाता, चेतनशील है कि हमको ठग रहा है गोसाई, तो बोलते रहता, पीठ ठोकते रहता, नहीं आता है सूंघने के लिए हाथ मुट्ठी। तब गोसाई पीछे से खोदता, तब झान दे झाना घंटी करके, महोदय मैं अपमान का नहीं, आप कभी कभी बढ़ते थे कोई काम करने के लिए लेकिन फिर रिवर्स गियर में चले आते। जो नादिया का हाल रहा वही 13 साल में आपको नागपुर ने और एलआईओ ने हाल करके आपका रखा, ये है रखा 13 महीना। आपको एक मौका था, आप कांग्रेस की बात करते, सीपीआई सीपीएम की बात करते, जॉर्ज साहब वहां बैठे हैं। सन 77 में छपरा से मैं मेंबर पार्लियामेंट बन के आया था लोकसभा का, हम सब लोग एक साथ थे, सभी लोग आंदोलन में थे, आप लोग भी जेल, हम लोग भी जेल, कांग्रेस के खिलाफ हम लोग लड़े थे। उस समय जसवंत बाबू जेल में नहीं थे, जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं, थे क्या आप जेल में? हाँ कभी जेल नहीं, आंदोलन में जेल। आप लोग तो, आप तो बिना हरे फिटकरी का कोई ना कोई पद ले ही लेते हैं।
चाहे इधर हो या उधर हो, दोनों पार्टी। अब उसमें आप अकेले नहीं, आप अकेले नहीं हैं, दिल्ली में ऐसे बुद्धिजीवी लोग हैं, बुद्धिजीवी, बुद्धि नहीं है लेकिन बुद्धि से जी रहे थे। तो खैर छोड़िए इन बातों को, ज्यादा आपको टॉर्चर करने की जरूरत नहीं। तो महोदय मैं बताना चाहता था, ये जोर साहब हैं, अब बैठे, सन 77 में महोदय हम लोग को दिल्ली समझ में आया नहीं। दिल्ली में हम लोग जब आए, राज नारायण जी, जौर साहब, चौधरी चरण सिंह जी, हम लोग उसी परिवार के लोग हैं महोदय, चाहे मुलायम सिंह जी हो और कोई हो या नीतीश जी उधर जो चले गए हैं। हमारे मुंह में सीधे 32 दांत है, उनके पेट में नीतीश के दांत है जो वहां चले गए। पेट में दांत, पेट वाला दांत बड़ा खतरनाक होता है। तो महोदय मैं सन 77 को याद दिलाना चाहता, हम तो आपसे लड़ाई शुरू से लड़ रहे हैं, ये नई बात नहीं, किसी कारण से नहीं। जनता पार्टी, जनता पार्टी का खंड खंड हुआ, कोई यहां गिरा, कोई वहां गिरा, कोई वहां गिरा। बंगलोर में हम लोग जुटे, नाम का सारा झगड़ा, ये सब बात। लेकिन सन 77 के सत्ता को हम लोगों ने लात मारा था। क्यों मारा? हम सत्ता के भूखे नहीं हैं। हमने उस सवाल को उठाया था। अरे नए नए आप आए हैं, मुझे अफसोस है कि आप लोग जा रहे हो इन लोगों की वजह से। सन 77 में दोहरी सदस्यता का सवाल उठाया गया था मजबूती से हम लोगों के द्वारा, कि अगर आरएसएस में रहना है। जोर साहब भी बोलते थे, छाती पर हाथ रख के बोले, यही उठाए थे। हम तो लोग नए थे, हमने कहा, हम लोगों ने कहा था, या तो आरएसएस में रहिए या तो जनता पार्टी में रहिए, दोहरी सदस्यता नहीं चलेगा इस मुल्क में और देश के सेक्युलर करेक्टर और फाउंडेशन को हम लात नहीं मारेंगे। आपको याद होगा, इसलिए हम लोग टूटे और हम लोगों ने नारा दिया, चरण नहीं तो चुनाव, और हम लोग चुनाव में गए। चुनाव में गए, हमारी लड़ाई आपसे, आपने कहा, अब बताइए, हिंदू 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 हिंदू, हिंदुत्व हिंदुत्व हिंदुत्व, कौन विरोध करता? ते हम लोग के पुरोहित ये अडवाणी जी कैसे हो सकते हैं, ये हमारे पंडित कैसे हो सकते हैं? हम पंडित से पूजा कराते हैं, हमारी माँ बहन गांव ग्रह गए सारे लोग, ये ठीका आपने कैसे ले लिया? आज इस देश का सेकुलर करेक्टर सेकुलरिज्म है, इसलिए राबड़ी देवी गांव की बेटी मुख्यमंत्री बनती है। देश की एकता अखंडता, जब भारी नाक पर पानी आया तो हमने कहा मीडिया के लोगों को, महोदय, लोगों ने पूछा कि क्या करोगे, हमने एक कैलेंडर कह दिया, क्योंकि लोग रोज बोलते थे दिल्ली में, नहीं नहीं, जयललिता जी से पैचअप हो गया, लालू मुलायम में लड़ाई हो गई विगत दिनों में, कोई कुछ, अब हम जो है सो के पहले बोल देते थे, इस बार हम लोगों ने साइंटिफिक तरीका से काम किया ही, समझ लीजिए। चूंकि साइंस और टेक्नोलॉजी का युग है, आप डंटा पहना छोड़ के अग्नि में प्रवेश कर गए हैं, आप पोखरण में, तो हम लोग भी अपनी साइंटिफिक तरीका का इस्तेमाल किया है। आप पूछ रहे हैं क्या रूप होगा, क्या रंग होगा? इसमें रंग अजूबा होगा, इस रंग का कोई जवाब आपके पास नहीं होगा। आप जाइए, अभी भी मेरा सुझाव है, हालांकि सुझाव देने का हकदार आपके उम्र के आदमी के लिए हम नहीं जोग समझते, लेकिन आपने कहा था
माननीय प्रधानमंत्री जी, पूरे देश के कांग्रेस के लोगों को विन ओवर करने के लिए, संपेथी लेने के लिए, कि नेहरू जी ने कहा था कि अटल एक दिन तुम देश का प्रधानमंत्री बनेगा, आपने कहा था, ये लिखा हुआ है रिकॉर्ड में, आपने कहा था। तो आप एक बार नहीं, आप दो बार हो गए। नेहरू जी तो एक बार बोले, आप हो गए दो बार। आप तो जान छोड़िए मुल्क का महोदय, दूसरे को आने दीजिए महोदय। ये आपने कहा था। अब अपने हम लोगों ने, अब आप हम लोगों को पाठ पढ़ाते हैं, अडवाणी जी चले गए उठ के, अडवाणी जी उठ के चले गए, आप हमको पाठ पढ़ाते, हमको शिक्षा देते। जब हमारे आदरणीय जो चोटी के नेता थे मुल्क के नेहरू जी जैसे लोग, लोहिया जी, जयप्रकाश नारायण जी, सारा जो पंक्ति के उस समय नेता थे, उन्होंने आपको जरूर आशीर्वाद दिया, और उनके आशीर्वाद से दो बार आप हो गए। लेकिन अभी जो आपने कार्यक्रम घोषणा किया था इस हाउस में, जवाहर रोजगार योजना को क्यों मिटा दिया आपने, रीनेम क्यों कर दिया, सारे चीज को कंपाइल क्यों कर दिया, इंदिरा आवास को क्यों आपने रिकंपाइल कर दिया, आप इतिहास को मिटा के और आरएसएस के संस्कृति को देश की जनता पर लालच दिखा के लादना चाहते हैं, इसके लिए ये सवाल सत्ता का, कौन क्या हो नहीं हो, क्या कौन मंत्री, क्या मंत्री हो, मंत्री आएंगे और जाएंगे, लेकिन एक बार मुल्क मुट्ठी से निकल गया तो फिर संभाल से बाहर हो जाएगी।